नारायण पेट हज सोसाइटी के वक्त ने रियासती हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद सलीम से साल 2023 हज के लिए अलहदा कोटा मख्तस करने की दरख्वास्त की है। चेयरमैन अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक की क्यादत में नारायण पेट हज सोसाइटी के वक्त ने हज कमेटी चेयरमैन से मुलाकात की और उनसे हज 2023 के लिए अलहदा कोटा मख्तस करने की दरख्वास्त की। मोहम्मद सलीम ने नारायण पेट हज सोसाइटी के वक्त को अलहदा कोटा मंजूर करने का तयखुन दिया है। नारायण पेट हज सोसाइटी ने हज कमेटी चेयरमैन से इजहार तशक्कुर किया है और उम्मीद जताई है कि नारायण पेट को अलहदा हज कोटा दिया जाएगा और मुसलमानों को हज की सआदत हासिल होगी। हज हाउस नामपल्ली आकर अरे जनाब मोहम्मद इमसा इसाक साहब चेयरमैन फाइनेंस कॉरपोरेशन क़ियादत में जनाब मोहम्मद सलीम साहब हज कमेटी स्टेट हज कमेटी से हम मुलाकात किए और उनसे हम उनको एक मेमोरेंडम भी दिए हैं कि जब मुतहदा ज़िला महबूब नगर जब बाइफरकेशन हुआ उसके बाद से हमारा नारायण पेट भी एक अलग ज़िला हुआ 2019 में, लेकिन हज कोटा है ना अलग नहीं हुआ, जिससे कई हाजियों को जो तमन्ना रखते हैं जहाँ हज करने का उन लोगों को मौका नहीं मिला। इस सिलसिले में आज हम हज हाउस नामपल्ली आकर मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन हज कमेटी से मुलाकात किए और उनसे मुतालबा किए कि हमारे नारायण पेट को एक हज कोटा अलग मुकर्रर करे, जो लोग हज को जाने की तमन्ना रखते हैं उनको मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ पर नारायण पेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से हज कोटा मुकर्रर होना है। अब तक है ना 2019 में जब नारायण पेट ज़िला बना तो हज कोटा अलग मुकर्रर नहीं हुआ, लिहाजा अलग कोटा अगर मुकर्रर करेंगे तो सबको है ना हज का मौका मिलता है, यही उनको हम डिमांड रखे हैं। तो हज चेयरमैन साहब ने हमारे तयखुन दिए कि इस साल यानी आने वाले 2023 में एक मौका हज का मौका यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हज का मौका फराहम करेंगे, ये हमारे को वादा किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे खुशी भी सोसाइटी नारायण पेट हज सोसाइटी नारायण पेट को कि हम आने के बाद उन्होंने जो हमारे तयखुन दिए हैं, हमारे उम्मीद भी है कि 2023 में नारायण पेट ज़िले को हज कोटा अलग मुकर्रर होगा। शुक्रिया।